ओम राउत को करोड़ों की कार देना लोगों को नहीं आया रास। कहा बेचारे प्रभास को पड़ी गालियां और इसे करोड़ों की कार। प्रभास और सैफ अली खान स्टारर आदिपुरुष लगातार चर्चा में हैं। फिल्म के टीजर को सोशल मीडिया पर कुछ खास अच्छी प्रतिक्रियाएं नहीं मिली है। पिछले दिनों फिल्म के निर्देशक ओम राउत और प्रोड्यूसर भूषण कुमार लगातार सुर्खियों में थे, लेकिन दोनों अब किसी और वजह से मीडिया में छाए हुए हैं। इसकी वजह फिल्म नहीं बल्कि फरारी है। दरअसल टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार ने ओम राउत को फरारी F8 ट्रिब्यूटो गिफ्ट की है। यह खास गिफ्ट भूषण कुमार ने ओम राउत को आदिपुरुष के लिए दी है। इस कार की कीमत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए है। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भूषण कुमार ने ये कार ओम राउत को अपनी कार के कलेक्शन से दी है। वो ओम राउत के काम से बेहद खुश है। यह कार पहले भूषण कुमार के नाम पर थी, लेकिन अब इससे जुड़ी सारी कागज पर ओम राउत के नाम करा दिए गए हैं। भूषण कुमार इसके पहले भी कई लोगों को इस तरह के महंगे गिफ्ट दे चुके हैं। हालांकि यह गिफ्ट देना अब एक मजाक लग रहा है। सोशल मीडिया पर इसकी जमकर फजीहत हो रही है। लोग कह रहे हैं कि फिल्म की हिट होने का कोई चांस नहीं है और ये भूषण कुमार खुद को ही बर्बाद करने पर तुला है। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि फ्लॉप टीजर रिलीज कर बेचारे प्रभास को गालियां पड़ी और इसे करोड़ों की कार गिफ्ट दी जा रही है। दोस्तों, लोगों को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है कि फिल्म के हिट होने का कोई ठिकाना नहीं और ये फिल्म के खातिर गिफ्ट्स बांट रहे हैं। बता दें कि आदिपुरुष 12 जनवरी 2023 को थिएटरों में रिलीज होगी। फिल्म में प्रभास राम का किरदार निभा रहे हैं, तो वही सैफ अली खान रावण के किरदार में नजर आएंगे। कृति सैनन ने फिल्म में सीता का किरदार निभाया है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस खबर पर? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फिल्मी नेचर को सब्सक्राइब करें।